हमारी आज अपील है तीनों चीफ से, आप हमारे भी चीफ हैं नॉट सर्विंग के, और अवेयरनेस करिए सर। सारे दुख की बात है, हमारे आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे साथ बड़ा सुलूक किया गया, हमारे बंदों को खींचा गया, धक्का दिया गया, हमारी लेडी को धक्का दिया गया, संविधान के मुताबिक वो जूते उसमें वो लाठी चार्ज किया। और ये देखिए प्रधानमंत्री जी की इनको ये महसूस लगी है, बटन तोड़ दिया गया, इसका हवलदार रणबीर सिंह, और इनके साथ ऐसे बुरा सलूक किया गया। और हम अभी पीसफुल धरने पे बैठे हुए हैं, और हम क्या उठा रहे हैं कि हमें असली वाली वन रैंकमन पेंशन दो या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, हम चले जाएंगे। ये किसके लिए, किसकी आवाज को बंद करना चाहते हैं? ये क्या डेमोक्रेसी है कि ये डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है, उसका गला घोटा जा रहा है? मोदी जी जागिए प्लीज, आपसे गुजारिश है, आपने एक दिन हमारे से बात नहीं करी, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आप यहाँ पे हमारे को पीस स्टेशन पे गलत तरीके से शहीद कर रहे हैं पुलिस के थ्रू। हमें जगह दे, हम जगह दे, अभी पूरा एक मिनट, अभी पूरा हिंदुस्तान का जो फौजी है वो जागेंगे। और हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा देश आजाद है, प्लीज उसको आजाद रहने दीजिए, और हमारे साथ कोई गलत काम मत करिए, मत करिए गलत काम हमारे साथ। आज पुलिस के एक्सेसिस जो है वो नहीं होने चाहिए, हमारी लेडीज को तंग किया, हमारे जवानों को मारा पीटा, और यहाँ से उठाया पीसफुल धरने के लिए, ये कोई इंसानियत की बात नहीं है। कल पुलिस जब आपको कुछ करेगी ना, फिर क्या मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, जब आप ना तो चीफ मिनिस्टर थे ना प्राइम मिनिस्टर थे, उससे पहले आपने कभी धरने नहीं दिए? क्या आपने आवाज नहीं उठाई? क्या आपकी आवाज को थ्रॉटल किया गया? क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या आपने ऐसी सोच रखी थी मेरा भारत देश ये भारतीयता है, ये क्या आजादी है, ये सम्मान दे रहे, ये मेरे भगत सिंह की शहीदी है, ये राजगुरु की शहीदी है जिससे आजादी मिली। मैं मेजर बताओ, भगत को थे हम यहाँ पे, अभी भगत गए, अभी भक्तों को मारा, एक लड़के को इधर मारे, अच्छा अभी खाने के यहाँ पे गए, मैं डंडा टूट गया इनका, अभी लेडीज को वहाँ पे मेरे को मारा, ये देखो मेरा गोटा भी छिल गया, ये देखो हमारे जेंट्स पुलिस ने मारा वहाँ पे, बताओ। और इनको हम लोग हाथ जोड़ के बैठे हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, भगवान 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 कुछ करते हैं, फिर भी हम लोग के पास बेटी बचाओ, और ऊपर से भारत की बेटियों पे अत्याचार कर रही है, बताओ कुछ करे तो एक बात है, भगवान का नाम रहते हमारी मांग ये कि सीबीआई जांच करवा दो, हम यहाँ से धरना हटा देंगे, गलत है, सीबीआई का जितना खर्चा आएगा हमारी सारी संगत व्यय करेगी। हाँ जोड़ के बैठे हम वहाँ पे आराम से, यहाँ पे भी इन्होंने बंद कर दिया था, यहाँ पे भी डंडे बरसाए हैं, डेढ़ का डेढ़ के बैन पे, आपको टूटा हुआ डंडा मिल जाएगा, अभी देखिए यहाँ पे आपको, चलो मैं दिखाती हूँ डंडा टूटा हुआ, इन्होंने भक्तों के ऊपर ऐसा डंडा बरसाया, एक डंडा चूरम चूर हो गया है। हम क्या आएगा, क्या हुआ भाई आपके साथ? मुझे 6:30 बजे सवेरे लोग आए और बोले की खाली करो जल्दी, सब सामान उमान ले गए, हम अंदर जो है थोड़ा बहुत सामान भी छूट गया, वहाँ भी जाने नहीं दे रहे, अंदर जो बैरियर पे खड़े थे पुलिस उन लोगों ने लाठी जो है दो डंडा मार के भगा दिया, मैं फोटो लेने जा रहा था, मोबाइल भी छीनने लगे तो मैं भाग गया, फिर यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? बोल रहे रामलीला मैदान, तो वहाँ रामलीला मैदान में पैसा लगता है, पैसा कहाँ से पाएंगे, मैं तो जिंदा मुर्दा हूँ, और मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम, और अभी तक नहाना न धोना न खाना न पीना, सब परेशानी।